ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, 25 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा, इतने में ये बेक हो जाएगा। तो ये जा रहा है ओवन में बेकिंग के लिए। ठीक है, इसको पहले से ओवन को मैंने प्री हीट कर लिया, तो इसको ओवन में रख देती हूँ ताकि ये बेक हो जाए। चले बिस, और इसके साथ साथ हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस फारूक बात कर रही हूँ। जी मिसेस फारूक, आज मेरा फर्स्ट टाइम आपके शो में कॉल मिली। अच्छा, चले ज़बरदस्त, हम आपको वेलकम करते हैं कि आप फर्स्ट टाइम आपकी कॉल मिली है फर्स्ट। ठीक है जी, क्या कहेंगी जी? मुझे ना आलू बुखारे की चटनी उस दिन आपने बनाई थी ना जी, जी उसके लिए आपने बताया था कि 1 kg में वो जो उसको प्रिजर्व करने के लिए प्रिजर्वर का नाम, 1 kg में वो कितना डालना है, प्रिजर्वर का सही नाम क्या है? सोडियम बेंजोइन के नाम से, वो बिल्कुल सोडियम बेंजोनेट बेंजोइन, वो असल में ये होता है, मैं तो यही कहूँगी आप उस आलू बुखारे की चटनी में ना ही डालें, इसलिए कि वो वैसी भी ख़राब नहीं होती है, तो आप फ्रिज में बॉटल्स में डाल के रख लें, आप 6 महीने तक वो ख़राब वैसे होगी भी नहीं, बगैर उसके केमिकल डाले, ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, यानी नहीं यूज़ करना चाहिए? ना ही यूज़ करें, इसलिए कि आपको पता है वैसे ही केमिकल से, अगर विदाउट इसके यूज़ किए बगैर कितनी देर तक चल जाती है? आप फ्रिज में रखिए, 6 मंथ तक आप चला सकते हैं उसको, फ्रिज में रख दीजिएगा बॉटल। और ये बताइए कि अगर हम इसमें ये ना डालना चाहें सिरका, सिरके से एक तो ख़राब नहीं होता, दूसरा उसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, सिरके से ख़राब भी नहीं होता। अच्छा ठीक है, ठीक है। और ये मुझे पूछना था कि आपने एक दिन ये भी बताया था कि लहसुन और अदरक जो है उसको उसका कलर सबज ना हो, ठीक है, इसके लिए नमक के साथ सिरके की कितनी मिकदार होनी चाहिए एक पाव में? अच्छा मैं आपको बता देती हूँ, अगर आप अदरक और लहसुन, जैसे आपने आधा किलो अदरक ले लिया, आधा किलो लहसुन ले लिया, ठीक है, आप दोनों चीज़ें आधा आधा किलो, उसके अंदर आपने क्या करना है, एक चाय का चम्मच आप डाल दीजिएगा नमक भर के, और आधा कप के जितना सिरका, आधा कप सिरका, जी आधा कप सिरका, उससे आप बगैर फ्रिज के भी रखेंगे चाय 6 महीने तक, वो बाहर पड़ा रहा, उसका वाइट ही कलर होगा, उसका कलर नहीं खराब होगा। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मेरा और है जी, बोलिए ना। तो पिछले दिनों श्री आपा ने कस्टर्ड वर्मा सिली बनाई थी, ठीक है, उन्होंने 1 लीटर दूध की बनाई थी, उन्होंने कलर्ड सेमिया की मिकदार बताई थी 1/2 कप, ठीक है, तो वो मिकदार ग्राम में पता चल सकती है? आधा कप आप 100 ग्राम ले लीजिएगा, 100 ग्राम ज्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं नहीं 100 ग्राम इतनी सी होती है, इतना आपको तो वैसे इसका वजन होता है, यानी 100 ग्राम, क्योंकि उसमें बाद में केले वगैरह भी तो डालने होते हैं ना, फल भी जी, मोटी सेवैया थी ना जो कलर वाली होती है, वो थोड़ी सी भारी होती है, तो उसके लिए भी अगर बाद में हमने फल डालना है तो फिर भी 100 ग्राम ही ठीक है जी, अगर हमने बाद में उसमें फल डालना है तो फिर भी सेवैया जो है कलर्ड वो 100 ग्राम ही होगी। अब मुझे पता नहीं, वैसे मैं शीन आपा से पूछ लूंगी तो वो ज्यादा बेहतर आपको उसका जवाब दे देंगी, ठीक है? पता चल सकता है, कैसे पता चलेगा? मैं उनसे कह देती हूँ, उनसे मतलब डायरेक्टर से, तो शायद सुबह अपने शो में ना वो कह देंगे, तो और फिर कल सुबह के शो में वो लाजमी बता देंगे। ठीक है, आप ऐसा करें अपने फेसबुक पे भी आप अगर होती है तो आप उस पर अपना कमेंट्स दे सकते हैं, तो ताकि वो आपको जवाब दे देंगे। वो पीछे गुलजार साहब के ने भी आलू बुखारे की चटनी बनाई थी, तो उनसे उनसे की रेसिपी के लिए भी फेसबुक पे कहा हुआ है, लेकिन कोई नहीं अभी तक जवाब मिला। चले ठीक है, वो इमरान इस्माइल से कह देंगे, वो अपलोड कर देंगे, ठीक है? ये मेरा काम करवा दीजिए। अच्छा। कि सुबह ना सीधी आपा अपने प्रोग्राम में ना कस्टर्ड वर्मा सिली के कलर्ड सेवियों का 1 लीटर के लिए ना सही ग्राम। चले ठीक है, चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और इंशाल्लाह आपका जो मसला है उसका इंशाल्लाह बहुत जल्द कुछ ना कुछ हल जरूर निकलेगा, ठीक है? अच्छा अभी वो मैंने उसको बेकिंग के लिए रख दिया है, 2-in-1 केक को, वो बेक हो रहा है, और उसका मैंने जैसे मैंने कहा था कि 200 पे आप रख दीजिएगा, और तकरीबन उसको आपने 20 से 25 मिनट रखना है, वो बेक हो जाएगा, और उसके बाद हम आ जाएंगे जो हम बना रहे हैं चिकन पास्ता विद रेड सॉस बन रहा है उसकी तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले हमने लेना है एक छोटा सा ब्रेक। चॉकलेट केक, अजर्ब मैदा 200 ग्राम, चीनी 300 ग्राम, मक्खन 250 ग्राम, कोको पाउडर 50 ग्राम, अंडे 8, गर्म पानी आधा कप, वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच, बेकिंग पाउडर 2 चाय के चम्मचे। चॉकलेट केक इंग्रेडिएंट्स 200 ग्राम्स प्लेन फ्लावर, 300 ग्राम्स शुगर, 250 ग्राम्स बटर, 50 ग्राम्स कोको पाउडर, 8 एग्स, 1/2 कप वार्म वाटर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 2 टीस्पून बेकिंग पाउडर।
वेलकम बैक टू तड़का। ब्रेक से वापस आ गए हैं। केक चला गया है बेकिंग के लिए, 2-in-1 केक, और उसका इंतज़ार करेंगे वो बेक हो। और इतनी देर में हम चलते हैं, जो बना रहे हैं रेड सॉस पास्ता, उसकी तरफ चलते हैं। और उसकी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी आप देख लीजिएगा, ताकि आप उसको ज़रूर बनाएं और अपने बच्चों को ज़रूर खिलाएं। बड़े तो खैर खाते ही खाते हैं शौक से, लेकिन बच्चों का बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है ये पास्ता। तो चलें इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। आप देखिएगा, मैं लहसुन को छील रही हूँ ताकि उसको फ्रेश लहसुन और अदरक इसके अंदर मैं डाल दूँगी चॉप करके, ठीक है। तो चलें इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले हम ले लेंगे मैक्रोनीज 1 पैकेट, बोनलेस चिकन इस्तेमाल करेंगे 1/2 किलो के जितना, सिरके वाली मिर्चें इस्तेमाल करेंगे 6 अदद, टोमेटो केचप इस्तेमाल करेंगे 1 कप, टोमेटो प्यूरी इस्तेमाल करेंगे 1 कप, और बारीक कटी हुई गाजर 1 कप, ऑयल इस्तेमाल करेंगे 1/2 कप के जितना, ओरिगानो इस्तेमाल करेंगे 1 चाय का चम्मच, पार्मेसन चीज इस्तेमाल करेंगे 1 खाने का चम्मच, और बारीक कटी हुई अदरक लहसुन जो चॉप किया हुआ 1 खाने का चम्मच, नमक 1/2 चाय का चम्मच, और पेपरिका पाउडर 2 चाय के चम्मच, और ज़ीरा इस्तेमाल करेंगे 2 चाय के चम्मच, और काली मिर्च इस्तेमाल करेंगे 2 चाय के चम्मच, और सोया सॉस इस्तेमाल करेंगे 2 खाने के चम्मच, और फ्रेश बेसिल तुलसी के पत्ते 2 खाने के चम्मच। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स हम बना रहे हैं जो रेड सॉस पास्ता। अच्छा, सबसे पहले हमने क्या करना है, पास्ता को मैंने बॉईल करके वहाँ रख दिया है, और खैर वो आपके सामने ही बॉईल किया था, सिर्फ उसके अंदर थोड़ा सा नमक और ऑयल डाल के। टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय कोई भी दाग हो अब ब्राइट से नहीं बचेगा। नए ब्राइट से अब कोई दाग बच के दिखाए। ये यहाँ पर ये आ गया पास्ता। ऑयल गरम करेंगे तकरीबन 1/2 कप के जितना ऑयल, अगर कम आप ऑयल खा रहे हैं तो बेशक थोड़ा सा कम कर दीजिएगा। चलें जी, ये रखते हैं चीज़ें यहाँ पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल इतनी देर में गर्म होगा तो फ्रेश जो लहसुन और अदरक है उसको मैं चॉप कर लूँगी। ये देखें, थोड़ा सा 1/2 कप से थोड़ा सा 4 टेबल स्पून जैसे भर के वो आप ले लीजिएगा, 4 टेबल स्पून आप ले लीजिएगा। अच्छा, अब क्या करना है, हमने लेना है लहसुन और अदरक, इसको हम करेंगे चॉप। और इसके बाद अच्छा, लहसुन का भी ये है कि हम बाज़ार से जैसे जब भी हम बाज़ार जाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि जो मोटे मोटे जवे होते हैं लहसुन के हम वो ख़रीदें, ताकि हमें थोड़ा सा छीलने में आसानी हो जाती है कि उसको। लेकिन आप जो सही लहसुन होता है, जिसको देसी लहसुन कहते हैं, वो छोटे जवे होते हैं, बिल्कुल जो छोटे छोटे जवे होते हैं ना, वो लहसुन के सही होते हैं। तो आप ये कि बाज़ार से जब आप जाएँ, थोड़ी सी मेहनत आपको ज़रूर होगी, लेकिन ये कि छोटे वाले जवे लें, जहाँ आप 6 जवे डाल रहे हैं तो ये आप 3 जवे का ही वही टेस्ट और वो खुशबू आएगी। तो ये कि इसको देसी लहसुन कहते हैं, और वो जो वो आए हुए हैं बड़े बड़े उसके जो पीसीज वाले, वो ज़्यादा अच्छे नहीं होते। तो कोशिश करें कि छोटा लहसुन ले लें, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी बातें आप लोगों से शेयर कर लेते हैं, जो हम लोग की अम्मी तो खैर मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, वैसे खाला वगैरह जो इस तरह छोटी छोटी बातें बताती थी, तो वो जहन में रखी होती हैं, तो आप लोगों से शेयर कर देते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही चलते हैं, एक हमारे साथ कॉलर हैं, देखते हैं कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, कौन बात कर रही है? मैं नगीना बात कर रही हूँ सऊदी अरब से। अच्छा नगीना, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ, आज आप माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। अच्छा चलो जी नगीना, थैंक यू सो मच। और आज के सवाल का क्या जवाब दोगी और क्या फरमाइश करोगी? फरमाइश तो आप सारी पूरी कर देती हैं माशाल्लाह, आप खाना बहुत अच्छा बनाती हैं, मैं आपकी रेसिपीज रोजाना ट्राई करती हूँ, बहुत अच्छी बनती हैं। चलो जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरे रोजाना खाने पकाने का जो प्रॉब्लम था वो सारा खत्म हो गया, मैं रोजाना अच्छा। आपकी बनाई हुई एक डिश बना लेती हूँ। अच्छा डेली ट्राई करती है? जी बिल्कुल। तो फिर क्या करती हैं, एक दिन पहले सामान ला के रखती हैं या फिर क्या, मतलब उसी वक्त खरीदती हैं? आपका शो देखती हूँ, फौरन मार्केट जाती हूँ, चीजें लेके आती हूँ, फौरन पका लेती हूँ। अरे जबरदस्त, ये तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच। और सवाल का क्या जवाब देंगी? अभी मैंने आपसे एक बात पूछनी थी, बाल लंबे करने के लिए कोई टोटका बताएं। हाय, मैं अपने ना लंबे कर दूं, इतने पतले से रह गए हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके रेसिपीज की। मुझे एक हमारे बाहर से एक थी, यूएसए से थी, एक रीटा नाम की कोई थी,
तो वो उन्होंने मुझे मेल करके उन्होंने कहा कि मुझे मतलब उर्दू तो समझ नहीं आती है, तो मैं क्या करती हूँ अपने किचन में टीवी रख लेती हूँ और साथ साथ मैं आपको देखती रहती हूँ, जो जो आप कर रही हैं वही वही मैं कुकिंग करती रहती हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने कहा देखिए कहती जो भी पाकिस्तानी खाएं, उन्होंने मेरी जो मेरी पर्सनल फेसबुक थी वहाँ पर उन्होंने मुझे भेजी थी, मेल भेजी थी जिसमें पूरा उन्होंने डिटेल सारी लिखी थी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। और जैसे इन्होंने कहा कि मैं फ़ौरन ट्राई कर लेती हूँ, बहुत अच्छी बात है। चलें जी सवाल मैं कर लेती हूँ ताकि हो सकता है किसी ने नहीं सुना हो। सवाल हमारा ये था कि ब्लैकबेरी और ब्लूबेरी इसके अलावा कौन सा ऐसा फल है जिसके एंड में बेरी आता है। तो बस आपने मसाला टी लिखना है, स्पेस देना, अपना नाम शेयर, जवाब लिखकर 8881 पर सेंड कर दीजिएगा। और मैं फिलहाल सिर्फ लहसुन इसमें डाल रही हूँ, लहसुन की खुशबू आएगी तो इसके अंदर जाएगा चिकन, उसके बाद मैंने क्या करना है बिल्कुल आपके सामने करूँगी, लेकिन इस वक्त हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ। रेड सॉस विद पास्ता, अज्जा मैक्रोनी एक पैकेट, बोनलेस चिकन आधा किलो, सिरके वाली मिर्च 6, टमाटर केचप, टमाटो प्यूरे और बारीक कटी गाजर 1-1 कप, तेल आधा कप, ओरिगानो 1 चाय का चम्मच, पार्मेजान चीज और बारीक कटी अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, नमक आधा चाय का चम्मच, पेपरिका, जीरा और काली मिर्च 2-2 चाय के चम्मच, सोया सॉस और केजी बोनलेस चिकन, 6 चिलीज एंड विनेगर, 1 कप टमाटो केचप, टमाटो प्यूरे एंड स्लाइस्ड कैरेट्स, ईच 1/2 कप ऑयल, 1 टीस्पून ओरिगानो, 1 टेबलस्पून पार्मेजान चीज एंड 1 टेबलस्पून स्लाइस्ड जिंजर गार्लिक, 1/2 टीस्पून सॉल्ट, 2 टीस्पून पेपरिका पाउडर, क्यूमिन सीड्स, ब्लैक पेपर पाउडर ईच, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून फ्रेश बेसिल। ब्रेक से वापस आ गए हैं और इस वक्त बन रहा है रेड सॉस पास्ता, चिकन रेड सॉस पास्ता। और ब्रेक से जाने से पहले मैंने आपसे कह दिया था कि सिर्फ लहसुन और अदरक जो फ्रेश मैंने चॉप किया था वो ऑयल में डालूंगी, जैसे ही उसमें खुशबू आने की तो मैं इसमें डाल दूंगी चिकन। चिकन तकरीबन मेरे पास जो है 1/2 किलो के जितना है, ठीक है, ये डाल दूंगी ताकि थोड़ा सा लहसुन जो अदरक है वो जले ना, वरना ये होता आपको पता फ़ौरन जलना शुरू होता है। इसको हम फ्राई करेंगे और ताकि ये गल जाए, वरना ये होगा कि ये गलेगा नहीं, इसलिए कि मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया हुआ और सिंपल चिकन ही था। अगर मैं लेमन जूस या फिर इसके अंदर थोड़ा सा नमक शामिल कर देती तो उससे होता कि जल्दी गल जाता है, लेकिन अभी मैंने इसको फ्राई करना है और चेक कर लेंगे, अगर ये गल जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको थोड़ा सा हम ढक भी देंगे। वैसे तो बोनलेस चिकन जल्दी गल ही जाता है। और इसके अंदर जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर टोमेटो प्यूरी है, ये सिंपल ही है। टमाटर को तकरीबन 1 पाव के जितने आप टमाटर लीजिएगा, उसको ब्लेंडर में डाल के उसको पीस लीजिएगा। बाज़ार से आपको मिल जाती हैं, लेकिन वो जो टमाटो पेस्ट होता है जो गाढ़ा सा होता है, ये प्योरी है, ये सिंपल टमाटर को हमने ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लिया। और जैसे मैं उस दिन भी कह रही थी, मैंने कहा आजकल सस्ते टमाटर आए हुए हैं तो आप आराम से उसको 10-12 रुपये 15 रुपये ऐसे किलो के हिसाब से हैं, तो आप आराम से उसको आजकल के हिसाब से जो सस्ते हैं, तो आप क्या करेंगे पानी बॉयल करके पानी में उबाले, उसमें टमाटर डाल दे, थोड़ी देर उसको डिप रहने दे, उसके बाद निकाल के फिर आप उसको ब्लेंडर में डालकर पीस कर थैलियों में डाल के रखें, तो ये है कि आप 3-4 महीने सुकून से आपके गुजर जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, अब देखिएगा कि ये जो चिकन जो है थोड़ा फ्राई हो रहा है, इसका इंतज़ार कर रही हूँ और इसके अंदर जाएंगी बाकी चीज़ें जो मेरे